इट्स वेलकम टू दी व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग चालू किया है, क्यों अजीता? काफ़ी दिनों बाद हमने व्लॉग बनाया और हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो उज्ज्वला? हम अभी डोमिनोज जा रहे हैं, सिटी में घूम रहे हैं। अभी जूडियो से कुछ सामान लिया है। हम लेट हो चुके और हमें टैक्सी करनी पड़ेगी। फेरी भी शायद 7:30 तक चलती है। इतने दिनों से एग्जाम का टेंशन था, पढ़ाई का था, बड़ा वो एग्जाम भी खत्म हो गई है और लगभग हमारी पूरी पढ़ाई भी हो गई है। तो अब 4 दिन की छुट्टियां मिली है मिड सेम के बाद। देखते हैं, करते हैं कुछ व्लॉगिंग मस्ती। मंदिर नेपाली मंदिर, ये कुछ और लिखा है। इस तरफ मंदिर क्या ले लो नूपुर, बोलो। आलू ले लो, चांदा ले लो। वेलकम। रेसिडेंसी नहीं है ये, आसाम बोन आवास परिसर है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तेरा उतर जा रहा है तो हम स्पीड बढ़ा रहे हैं डोमिनोज के लिए। तो हम लोग डांस कब करेंगे? आज से फिर से वापस ना रिज्यूम करेंगे। सॉन्ग क्या था? सॉन्ग झूमे जो पठान। चलो एटलीस्ट तुम्हें याद तो है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। मत कर यार ये सब, तू मत मेरे को दिमाग खराब करे। हमारा गाइड बहुत ही खराब है जो कि उज्जवल बना इस बार। ये फिर हेरा फेरी के 3 कैरेक्टर्स। क्या ऑर्डर कर रहा है? क्या कोई तो ऑफर देख रहा है? फिर से बंद चालू। कोई चंदन कार्फा की टीम में कोई और भी है? कहाँ जाना है उज्ज्वल? अपन को जाना है ना हॉस्टल। आपकी फेरी क्या है? हॉस्टल फेंटेल नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। बोलो जाना है? नहीं। दो और आ गए। फार्म हाउस अच्छा लगता है। खाने के बाद हमने टुकटुकी पकड़ ली है और लोकेशन अभी भी नहीं मिल रही है। हम जा रहे हैं नेपाली मंदिर। टुक 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 गाड़ी।
कहीं तो हम अभी लॉस्ट हो चुके हैं, लॉस्ट तो नहीं हुए हमें, भाई जगह पता नहीं है, तो आगे से कहीं लोकल ट्रांसपोर्ट मिलेगा। और क्या, कोई तो उड़ा के चले जाएगा फिर बोलेगा। हमें एक रिक्शा मिला जो उधर मुंह करके खड़ा है, तो हम उनसे पूछेंगे। हम लोग अब फेरी की तरफ जा रहे हैं। अभी हम ये पॉलिथीन बुलाए थे ट्रेंड्स के बाहर, तो ये लोग ढूंढने गए थे ऊपर। आईआईटी कौन? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो किरोड़ीमल कॉलेज का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और ये मैंने बहुत दिनों बाद अगला व्लॉग शूट किया, क्योंकि इस सेमेस्टर थोड़ी सी पढ़ाई में हेक्टिक हो चुकी थी मेरी, सेमेस्टर भी अच्छे से संभालना था, और अब हो चुका है मिड सेम एंड, तो हम क्रेजी हो रहे हैं। कल हम सिटी गए थे, आज दाल बाटी बनाना सीख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने दाल बाटी बनाने की रेसिपी देखी, अब हम दाल बाटी बनाएंगे। सो स्टेप पेंट्री रूम जा रहा कि चाबी लेने जा रहा हूँ सिक्योरिटी डेस्क पे, और हर्षिता को भी कॉल कर दिया है। हर्षिता, उज्ज्वल भैया, ये सब लोग भी आ रहे हैं, तो चलते हैं पेंट्री रूम में चाबी लेकर आते हैं। और ये उज्ज्वल खड़ा है। हाँ उज्ज्वल, क्या क्या चाहिए अपन को सामान? ये सही है। और क्या क्या? कुकर, कुकर, कढ़ाई। जनता कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट दे यार, इनसाइड्स बता। जोर से बोल, क्लोजअप लुक, क्लोजअप। तो हम लोग अभी खोखा जा रहे हैं कुछ सामान लेने, अब देखते हैं मिलता है कि नहीं जो जो जरूरी चीज़ें। भाई पेंट्री रूम में काम काम की चीज़ें तो हैं। क्या क्या है? जिंजर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा। हाँ, जिंजर पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, राई, शुगर, आटा, सॉल्ट, मुर्गी, क्या ले पहली चीज? ठीक है, पहले सब लोगों को अभी खोखा में कुछ भी नहीं मिला है, जो जो काम की चीजें चाहिए थी। तो अभी हम लोग रिक्शे से कहीं लेने जा रहे हैं। यार उज्जवल, कुछ पता है आइडिया? पता नहीं यार, गुवाहाटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमीन गांव, गुवाहाटी में, अमीन गांव में। आज ये दरिंदा दाल बाटी खा के रहेगा। उसकी मंजिल लेके जा रही है ब्रह्मपुत्र घाटी, और हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, और फॉर ऑब्वियस रीजंस हम ग्रोसरी लेने जा रहे हैं। दाल बाटी का सफर कैसा हो रहा है? वाइल्ड हो रहा है ना एकदम। हम लोग कौन से गांव में आ गए? हम आए थे सरायघाट स्ट्रीट्स के पास, और ये था वो मार्केट जिसे सारा सामान लिया। मार्केट की लोकेशन पता चल गई यार, आए यार, सब कुछ अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे, जो भी चाहिए। पहले लगता था कि कैसे रह रहे हैं, गांव का मतलब सबसे बड़ा एरिया यही होगा। हाँ यही होगा जो है ना भैया। हाँ भैया, ये आपका टाउन हो जाएगा। अजी, ये टाउन एरिया है। हाँ, ये था पहले, अभी टाउन हो गया। सही है भैया, उसके बाद आगे से सिटी हो जाएगी। अब तक का रिव्यू ये है कि हमने सामान ले लिया है, हम अमीन गांव से ये सामान लेके आए टाउन से, काफ़ी वाइल्ड एक्सपीरियंस था हमारा। अब जाके हम दाल बाटी बनाएंगे, हमने दो चार मजदूर बुला के रखे हैं वहाँ पर, तो देखते हैं उनसे काम करवाते हैं, उनके लिए कुछ खाने को भी लेके जा रहे हैं। लेट्स सी। और हो गया इतना सारा, इस तरिंदे को देख लो एक बार फिर जो दाल बाटी खाने के लिए उत्सुक है, और मस्त सामान लेके आए हम। वो सामान है, और चार तीन तीन मजदूर वहाँ खड़े हैं अभी, इनसे अपन करवाएंगे उज्जवल काम।
और ये हमारे एसोसिएट्स हैं, अभी ये लोग काम करेंगे। और ये शेफ हलवाई और ये दोनों काम करने वाले। नहीं 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 हजरा, इतनी जल्दी तुम्हें जोड़ी चले, कौन सा तेल है? चलो उज्जवल प्रिंट के पीछे पागल। अरे पेंट्री बी ब्लॉक वेज। और ये स्पीकर का है, चप्पल निकाल दो स्पीकर। अरे उज्जवल एक चीज बोला यार, देख ये कपड़े रखे हैं आज के, तो ये कि कुछ अच्छा वाला लेके चले जो तू सुबह दिया था, ये वाला रख लेते। एक ये रख ले, ठीक है। थोड़े से कपड़े रख लिए हैं जिन्हें यूज करना है, थोड़े से हमने कपड़े रख लिए जिन्हें अभी यूज करना है अच्छे वाले। तो हम क्या लेने जा रहे हैं अभी, देखते हो सामान बचा है, चाकू वगैरह। दूर तो अपन लग रहे हैं यार, दाल रोटी बना के मजदूरी करने का अवसर मिल रहा है। हलवाई से दाल बाटिया बनवा रहे। घी और बटर एक जगह मिलेंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं मतलब कुछ हो रहा है दुनिया में, कुछ सही नहीं हो रहा है। मोइन कर रहे हो ना, तो घी से होता है ना, क्या कहता है ये, एकदम तेल से होता है। ऐसा नहीं है, इतना थोड़ी डरते हैं। दाल दे दो, दाल को कुकर का खौफ भैया के चेहरे पे। उज्जवल कैसी फट रही है? नहीं फट रही है, कुछ नहीं होता। फटके चार हो गई। नहीं बनेगी कि नहीं, आलू की सब्जी तो नहीं रहा, ब्राउन हो गया। क्यों अमन आलू की सब्जी खाएंगे आज? बाटी बनेगी कि नहीं? बाटी में तो नहीं खाता। बाटी बनेगी कि नहीं ये बता, बाटी बनने वाली टाइमर। सक्सेस हो रही है, पर अभी टाइम लगेगा, घुमाना नहीं आ रहा। वेलकम टू द नवदीप व्लॉग्स। हम
दो वो बहुत सही लग रहा है, गोल्डन हो रहे प्यारा। दो इंसान और हमारे आज के शेफ, दाल के शेफ। अरे देखना है यार भैया, महाराज जी, महाराज जी। बस हो गए।